दोस्तों आज बहुत हर्षोल्लास के साथ तो हम आपको नहीं बता सकते, तो ये काफी अफसोस का मुकाम है। थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में अपराधियों का हौसला काफी बुलंद हो चुका है और आला अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत ही बड़ी घटना या और बहुत बड़ी वारदात होने का इंतजार किया जा रहा है, या किसी और साजिश के तहत ऐसे SHO दक्षिण टोला को यहाँ रखा गया है जो अपराध को संभवतः अपराध को वही कारित करा रहे हैं। हम आपको बता दें कुछ लिस्ट क्योंकि हमारे पास है जिसमें आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। आला अधिकारियों को भी चाहिए कि इनकी जांच अगर कर लें निष्पक्ष रूप से तो निस्संदेह ये दोषी पाए जाएंगे और इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। पूर्व में भी इनका हम बता दें कि सूत्रों द्वारा पता चला कि जब ये बलिया में पोस्ट थे वहां अनीस अहमद SP साहब थे, उन्होंने किसी मामले में इनके ऊपर बैड एंट्री लगा दी थी। फिर बाद में बात समझौते की आई, यानी जो दरोगा उस समय थे DK चौधरी साहब, अगर ये उनसे माफी मांग लें तो इनकी बैड एंट्री हट सकती है। लेकिन इनकी अकड़ इतनी थी, अकड़ में ये चूर थे, इन्होंने माफी नहीं मांगा। सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि शायद हाईकोर्ट से लड़कर अभी लगभग 2 वर्ष पूर्व इनकी बैड एंट्री जब हटी है तब ये प्रमोट हुए हैं, यानी पूर्व में भी इनका ये इतिहास रह चुका है। बहरहाल हम आपको आगे की ताजी बात बताते हैं। शुरुआत हम करते हैं कुछ महीना पहले से, थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में जब से अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा वहां से शुरुआत करते हैं। रामपुर चकिया जो कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में आता है, रामपुर चकिया में एक मामला था मनोज कुमार निगम का। मनोज कुमार निगम जो कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी काफी लंबी चौड़ी है, मऊ के 2005 के दंगे का आरोपी भी था, जेल भी जा चुका है, और थाना दक्षिण टोला से हुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए चालानी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी थी। किन्हीं कारणों से मनोज कुमार निगम को जिला बदर नहीं किया गया, जिसका खामियाजा अब वहां के लोग भुगत रहे हैं और इनको संरक्षण देने वाले हमारे वर्तमान SHO DK चौधरी साहब हैं। पहला मामला हम बता दें कि नसरीन नाम की एक पीड़िता जो कि मूल निवासी, जिसका असली ससुराल है भरहू का पूरा में, लेकिन परिवार से अलग होने के बाद अपनी एक टुकड़ा जमीन जो कि रामपुर चकिया में है वहां पर अभी शुरुआत किया था बाउंड्री के अंदर रहने की, जहां पर चौकी वगैरह रखा था, 15-20 दिन हुआ था गए हुए, लेकिन जमीन चूंकि मनोज कुमार निगम के सामने थी और मनोज कुमार निगम की जमीन पर नियत खराब थी, चुपके से एग्रीमेंट कराकर उस जमीन को अपना बताने लगा। मनोज कुमार निगम से यहां से मामला बिगड़ा, लेकिन जब पीड़िता नसरीन की कोई सुनवाई नहीं हुई, पीड़िता ने केस किया, उस केस में कमीशन की रिपोर्ट भी जब वहां से आई, कमीशन की रिपोर्ट में बाकायदा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सभी कापियां हमारे पास सुरक्षित हैं, कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नसरीन के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उसका ताला खोल के अंदर दिखाया गया, क्या क्या उसमें लगा है, नसरीन का कब्जा भी बताया गया। उसके कुछ दिन बाद घटना घटित हुई कि नसरीन खातून के साथ, जैसा कि नसरीन खातून ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन FIR नहीं दर्ज हुई, तो कोर्ट के माध्यम से 156(3) के तहत FIR दर्ज हुई, जिसमें नसरीन खातून ने मनोज कुमार निगम और अन्य लोगों पर यह आरोप लगाया था कि उनके द्वारा रात में उनके घर पर जा करके उनके साथ छेड़खानी की गई और उन्हें बदनाम करने की गरज से अवैध असलहा उनके ऊपर सटाया गया, उन लोगों को हड़काया गया, रात ही रात उन लोगों ने मकान छोड़कर अपने वापस भरोपुरा के मकान में लोग गए। इस घटना की तहरीर जब थाना दक्षिण टोला पे दिया गया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो परेशान होकर पीड़िता ने 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद SHO DK चौधरी, मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक थे मनीष मणि त्रिपाठी जो कि विवेचना कर रहे थे, लेकिन ये तो नहीं मालूम कि उनके मन में क्या चल रहा था, वो विवेचना में चार्जशीट लगाते, FIR लगाते, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद दक्षिण टोला SHO को ये भय सता रहा था कि ये इसमें चार्जशीट लगा सकते हैं, तो बिना किसी खास कारण के ही SHO DK चौधरी ने खुद अपने उस मामले की विवेचना स्वयं करते हुए उस मामले में दोषियों से ही बयान लेके उनके पक्ष में FIR लगा दिया गया और पीड़िता के विरुद्ध FIR लगा करके इस मामले को क्लोज कर दिया गया और थाना दक्षिण टोला से पीड़िता को न्याय नहीं मिला। लेकिन पीड़िता ने FIR लगने से पहले ये बात बताया पुलिस अधीक्षक महोदय को बयान हल्फी के माध्यम से, और उस बयान हल्फी की कॉपी मारीना संदेश के कार्यालय में भी दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था
कि एसएचओ डीके चौधरी द्वारा पीड़िता से 50,000 रुपए की अवैध मांग की गई। मांग पूरी ना होने पर उन्होंने धमकी भी दिया कि तुम्हारे विरुद्ध फर्जी एफआईआर करके तुमको फंसा सकते हैं और तुम्हारे केस में भी एफआईआर लगा के तुम्हारा केस क्लोज कर सकते हैं। पीड़िता की हैसियत 50,000 देने की न होने की वजह से पीड़िता को ये सभी कुछ झेलना पड़ा। पीड़िता के विरुद्ध एफआईआर लग गया, केस क्लोज हो गया, पीड़िता को अभी न्याय नहीं मिल सका। वहीं दूसरा मामला है डोमनपुरा का, जो सलमा फरहाना एक पीड़िता है, काफी दिनों से परेशान थी एफआईआर लिखवाने के लिए, लेकिन उनसे भी एफआईआर लिखने के लिए एसएचओ डीके चौधरी द्वारा 50,000 रुपए की मांग की गई। स्वर्गीय मौलवी मंजूर साहब की ये सुपुत्री हैं सलमा फरहाना, जिन्होंने ये आरोप डीके चौधरी एसएचओ पर लगाया कि उनके द्वारा 50,000 रुपए मांगा गया, और उनका भी बयान हल्फी मारीना संदेश के पास मौजूद है जिसमें ये उन्होंने लिखा। वहीं एक रेहाना नाम की औरत है रामपुर चकिया की, जो दिन भर भीख मांगती है, इसका समाचार भी हम आपको दिखा चुके हैं, दिन भर भीख मांगती है, छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं, और उसके बाद भीख मांग के जो पैसा इकट्ठा होता है उससे अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करती है, पेट भराती है। उस व्यक्ति की, उस महिला की भी जमीन पर मनोज कुमार निगम की नजर गड़ गई और उस महिला के अगल बगल के लोगों द्वारा सहयोग किया गया। किसी ने गिट्टी दिया, किसी ने बालू दिया, किसी ने ईंटा दिया, तो किसी ने कहा मजदूरी का पैसा दे देंगे। इस तरीके से उस महिला का सहयोग करने के लिए अगल बगल के लोग सामने आए और महिला की जो जमीन वहां पर थी, थोड़ी सी जमीन, उस जमीन को बाउंड्री करने की जब बात आई तो उस पर भी भूमाफिया मनोज कुमार निगम ने उस महिला को धमकी सर्दी करते हुए उस समय बाउंड्री नहीं करने दिया। और रात में, एक रोज रात में मनोज कुमार निगम कुछ लोगों के साथ 2 मोटरसाइकिलों से, जिसका पूरा डिटेल हमारे पास मौजूद है, जो महिला द्वारा दिया गया, बताया गया, और बयान अल्फी के माध्यम से यह भी बताया गया कि मनोज कुमार निगम उसके घर पर पहुंचा रात में कुछ लोगों के साथ, और उसके बाद महिला के साथ वहां पर भी उसने सेम वही काम किया जो नसरीन खातून के साथ किया था। इस तरीके से मनोज कुमार निगम को संरक्षण दिया जा रहा है एसएचओ दक्षिण टोला द्वारा। इसकी शिकायत भी, इस प्रकरण की शिकायत थाना दक्षिण टोला पे किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। इस समाचार को भी चलाया गया लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल रहा है और अपराधियों का हौसला बुलंद है। जिस महिला रेहाना की बात बता रहे हैं, उस महिला का पति जो कि स्वर्गवासी हो चुका है 3 साल पहले, और 6 साल पहले उस जमीन को लेकर के वहां पर अपना गुजर बसर कर रहा था। तीसरा, चौथा मामला हम आपको बता दें कि अभी आप देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी लचड़ हो चुकी है। जैसा आपको अंदाज लग रहा है, अभी विगत 2-3 दिनों पहले थाना दक्षिण टोला के सामने एक युवक की जमकर पिटाई हो गई। कारण क्या था ये तो नहीं मालूम किसी को, पुलिस छानबीन कर रही, आला अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन यह भी एक बड़ी घटना है कि काफी लोगों ने एक व्यक्ति को पीट दिया। पीटने के बाद उस व्यक्ति की मोटरसाइकिल भी गायब हो गई, मोबाइल भी गायब हो गया, लेकिन अभी तक ना मोटरसाइकिल बरामद हुई ना ही मोबाइल बरामद हुआ। लचड़ कानून व्यवस्था आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से है। सबसे खास मामला हम आपको बता दें, पांचवा मामला, कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में विगत दिनों भी आपने देखा है कि काफी बड़े पैमाने पर असलहों का व्यापार चल रहा था। असलहे निर्मित हो रहे थे, अर्धनिर्मित और निर्मित असलहे काफी बड़े पैमाने पर बरामद हुए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो एसएचओ महोदय अपराधी को संरक्षण देने के लिए यहां तक जान जा रहे हैं कि किस महिला के साथ छेड़खानी हुई, किस महिला के साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, महिला के बयान के बाद भी एसएचओ साहब उस महिला को झूठा बता दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन है कि महिला के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार यदि हो रहा है तो महिला का बयान ही गवाह और सबूत के तौर पर, अगर महिला अपनी लोक लज्जा भंग करके बता रही है तो महिला का सबूत, वही का बयान और वही गवाह है। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए अपराधियों को संरक्षण देने में थाना दक्षिण टोला एसएचओ बिल्कुल लिप्त है। जिन एसएचओ को यह मालूम हो रहा है कि वहां पे घटना नहीं हुई है, जहां पे मौजूद नहीं थे, वहीं शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी असलाह फैक्ट्री जिसको बाहर से पुलिस आकर थी, इसका अनावरण करा दिया पुलिस ने। यह सोचने वाली बात है कि अगर असलाह बनता था तो कच्चा माल आता होगा, कच्चा माल के साथ बिजली का कनेक्शन आ रहा होगा, बिजली की सप्लाई रही होगी, उसका स्क्रैप असलहे का निकलता रहा होगा, वो भी मार्केट में बिकता होगा, कहीं ना कहीं जाता होगा, लोगों का आना जाना रहा होगा। जो एसएचओ को एक एक पल पल की खबर है, उस एसएचओ महोदय को आखिर ये कैसे नहीं पता चला कि शहर के बीचों बीच इतने बड़े पैमाने पर असलहों को बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, मशीनें आई होंगी, मशीनें जाती रही होंगी, सामान आता होगा, बिकता होगा, बनता होगा, कोई सप्लायर या डीलर नहीं है, एक मैन्युफैक्चरर था जो इतने बड़े पैमाने पर बना रहा था। कहीं ना कहीं इसमें भी एसएचओ महोदय की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। यदि जांच की जाए तो निस्संदेह कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है, अगर निष्पक्ष जांच हुई।
फिर हम आपको ले चलते हैं कि बकरीद से पहले जमालपुरा नाले के होल से एक ऊंट लगभग 10-12 फीट गहरे नाले में गिर गया 8 बजे करीब शाम को। उस ऊंट को निकालने के लिए वहां के लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन ऊंट नहीं निकल पा रहा था। जब थाना दक्षिण टोला पर इसकी सूचना हुई तो थाना दक्षिण टोला के SSI सरफराज खान साहब DK चौधरी SHO के निर्देश पर वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने चैन कुप्पी वगैरह लगवा के बड़ी मुशक्कत से ऊंट को निकलवाया। 2-3 दिन तक ऊंट निकलने के बाद जमालपुरा में अबरार मेंबर के हवाले था। अबरार मेंबर के हवाले ऊंट जो था, कुछ दिन बाद सूचना मिली कि बकरी से पहले ही उस ऊंट को किसी कसाई ने खरीद लिया और ऊंट कट के बिक गया। जब इस मामले की जांच पड़ताल हमने शुरू किया तो पता ये चला जो ऊंट कट के बिक गया उस ऊंट को बेचने से पहले एक स्टैम्प पेपर बनवाया गया था। उस स्टैम्प पेपर को जो स्टैम्प पेपर बना था वो स्टैम्प पेपर की भी फोटो हमारे पास मौजूद है जिस स्टैम्प पेपर को थाने में दिया गया। अब सवाल ये है कि वो ऊंट गया कहाँ। जब इस बात की हमने छानबीन किया, जांच किया और हमने इस ऊंट के संबंध में SSI सरफराज खान साहब से बात किया तो उस देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, बहुत सारा भी टॉपिक है लेकिन हम चाहेंगे इस वीडियो को आप देखें। अगर थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप भी दलाल बन जाए तो सुरक्षित हो सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जब ऊंट के बारे में तहकीकात हमने किया, सरफराज खान साहब के नंबर पर हमने कॉल किया, सरफराज खान साहब का यही जुमला था कि ऊंट को पालना और खिलाना थाने की या सरफराज खान की जिम्मेदारी नहीं है और थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में ऊंट नहीं कटा, ऊंट के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जब हमने ये कहा कि ऊंट अपन विभाग के भी सुपुर्द कर सकते थे तो SSI सरफराज खान साहब ने ये जवाब दिया कि वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है ऊंट को रखना अपने पास, वो केवल जंगली जानवरों को ही रखते हैं। ये भी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास सुरक्षित है जो सरफराज खान साहब द्वारा कहा गया। इस तरीके का वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसा क्रियाकलाप चल रहा है और किस तरीके से और इन सारे मामलों को बलि का बकरा बनाने की पूरी कोशिश की गई अबरार मेंबर को। फिर हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि थाने में एक दलाल और एक अपराधी मनोज कुमार निगम, ये दोनों लोग बैठ के किस तरीके से एक पक्ष पे दबाव बना करके जबरन सुलह कराने का काम करते हैं। तो वहीं थाना दक्षिण टोला के बाहर SHO की गाड़ी भी खड़ी रहती है, SHO मौजूद है लेकिन उसके बाद भी अपराधियों को थाने का संचालन दे दिया गया। जब इन तरह की जो इस मामला चल रहा है, इन मामलों की जब हमने एक बार तहकीकात किया, हमने DK चौधरी SHO के नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछा और बयान हल्फी को भी व्हाट्सएप करके जानना चाहा कि क्या मामला है 50,000 का और कैसा रिश्वत का मामला है, तो DK चौधरी ने उस पर किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब ना मिलने के बाद भी जब समाचार हमारा चला, समाचार के बाद DK चौधरी साहब ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया और हमें ब्लैकमेल किया, हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे को दर्ज करने से पहले उन्होंने हमको ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल में हमने उनसे सवाल किया कि आप अपने मकसद की चीजों को ढूंढ, सभी स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है, आप अपने मकसद की चीजों को ढूंढकर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक उन्हीं संबंधित धाराओं में एक बार फिर हमारे ऊपर फर्जी FIR दर्ज किया। उस फर्जी FIR की भी कहानी हम बता दें, उस फर्जी FIR में दिखाया गया कि रामनवमी नाम का एक दलाल है जो अपने आप को भाजपा का पूर्व नगर उपाध्यक्ष या अध्यक्ष भी बताता है, लोगों से घूम घूम कर पैसा मांगता है, दलाली करता है थाने में दिन रात, आप देख सकते हैं। रामनवमी प्रजापति ने क्या किया कि एक SHO के कहने पर एक प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र में लिखा कि हम यानी कि उसमें ये लिखा कि मारीना संदेश के वीडियोग्राफर रामनवमी के घर गए और जाके उनसे पैसा मांगा और कहा यदि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा वीडियो चला के तुम्हें बदनाम कर देंगे। जबकि सच्ची बात यह है कि रामनवमी प्रजापति के घर उस समय कोई भी नहीं गया था और ना ही रामनवमी से किसी प्रकार की किसी की कोई बातचीत है, क्योंकि जिस समय को रामनवमी द्वारा बताया जा रहा है कि मारीना संदेश के वीडियोग्राफर वहां गए थे उस समय मैं अपने ऑफिस मारीना संदेश के ऑफिस में अपने CCTV कैमरे के सामने मौजूद हूं। इन सभी प्रमाण को मैंने थाना दक्षिण टोला में दे दिया है, CCTV की रिकॉर्डिंग फुटेज भी मेरे पास सुरक्षित है और थाना दक्षिण टोला पर भी अपने वहीद खान साहब के हवाले कर दिया है जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं। वहीं हमने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कप्तान साहब से भी इस बात की रिक्वेस्ट किया है कि मेरा मोबाइल लोकेशन
मेरे अगल बगल के लोगों से पूछ के और साथ ही जो मोबाइल लोकेशन होगा सेटेलाइट से उसको निकालें, अगल बगल के लोगों से पूछताछ करें और मेरे सीसीटीवी कैमरे को भी साक्ष में संलग्न करके निष्पक्ष कार्रवाई करें। चूंकि रामनवमी जो दलाल है, ये दलाल किसी भी हद तक जा सकता है और चूंकि एसएचओ साहब की कमाई इससे होती है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की आंच एसएचओ साहब नहीं आने देंगे और बलि का बकरा इसको बना के मेरे विरुद्ध इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है थाना दक्षिण टोला की सच्चाई। आगे हम बताते हैं कि जब हमारा मामला एसएचओ के महोदय के विरुद्ध जम लगातार समाचार, उनके गलत क्रियाकलापों के विरुद्ध हम समाचार चला रहे हैं, तो वहीं एसएचओ दक्षिण टोला द्वारा सरफराज खान दरोगा से कॉल करवा के सुलह की भी बात हमसे कही गई। व्हाट्सएप पे भी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए उनकी भेजा गया, जिसपे सरफराज खान द्वारा ये कहा जा रहा है कि एसएचओ साहब चाह रहे सुलह करना और एक मुर्गा हम कटवाते हैं, आपके भी हम दावत करते हैं, उनकी भी दावत करते हैं और एसएचओ साहब सुलह करना चाह रहे हैं, जिसपे हमने उनको स्पष्ट रूप से ये जवाब दिया कि हमारा किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत मैटर एसएचओ साहब से नहीं है, तो हम सुलह किस बात की करेंगे। ले देखे सिर्फ मामला इतना है कि थाने पर पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अपराधियों का हौसला बुलंद है, दलालों की कमाई चरम सीमा पर है, केवल दलालों पर और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, हमसे उनका बाकी कोई मामला नहीं है। लेकिन उसके बाद सुलह न करने के बाद ये रामनवमी से हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारा शोषण किया जा रहा है और हमको धमकी भी दिलवाया जा रहा है। और भी हम आपको इस तरीके से मामला बताते हैं कि जब सुलह हमने नहीं किया तो हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। वहीं जब समाचार हमने चलाया नसरीन खातून, अभी शुरू में हमने आपको बताया कि नसरीन खातून ने मनोज कुमार निगम के विरुद्ध जो FIR दर्ज कराया, उसमें हमने जो समाचार चलाया, उस समाचार के चलने के बाद मनोज कुमार निगम जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, एक व्यक्ति के साथ 24/10/2020 को लगभग 7:15 करीब शाम को हमारे ऑफिस पर आया और आने के बाद हमको धमकी सर्दी किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड है। हमने इस प्रकरण में FIR दर्ज कराना चाहा सीसीटीवी का हवाला देते हुए, लेकिन FIR नहीं दर्ज हुई। तो वहीं माननीय न्यायालय का दरवाजा हमने खटखटाया 156(3) के तहत, जब हमने FIR के लिए वहां पर रिक्वेस्ट किया, सीसीटीवी की फुटेज लगाया, जेम कोर्ट ने फिर यह आदेश किया कि 11/8/2021 को जेम कोर्ट से यह आदेश पारित होता है कि दक्षिण टोला SHO को आदेशित किया जाता है FIR दर्ज कर 1 सप्ताह के अंदर आख्या प्रस्तुत की जाए, परंतु आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। 2 बार रिमाइंडर गया, 3री बार व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए भी उनसे कहा गया, 24 तारीख को कहा गया, 22 तारीख तक उनको व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन तभी SHO महोदय न्यायालय के आदेशों को न मानते हुए उपस्थित नहीं हुए। फिर उसके बाद 24 तारीख को जेम कोर्ट से एक नोटिस SP साहब को भेजी गई है, जिसमें 27 तारीख तक आख्या मांगी गई है और SHO की उपस्थिति के साथ। लेकिन अच्छा, साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी हमने इस बात की शिकायत किया कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, न्यायालय के आदेश तो होने के बाद भी, अपराधी मनोज कुमार निगम के विरुद्ध FIR SHO दक्षिण टोला द्वारा नहीं दर्ज की जा रही है, अपने मधुर संबंध को निभाया जा रहा है। ये वही मनोज कुमार निगम है जो दो छेड़खाने की घटनाओं को घटित कर चुके हैं और एक छेड़खाने की घटना में SHO महोदय द्वारा उनको बचाते हुए FIR लगा दिया गया, तो वहीं उनके विरुद्ध जो हमारे कार्यालय में घुस के जान से मारने की धमकी वगैरह दी गई, इस मामले में अभी तक न्यायालय के आदेश के बाद भी, ध्यान दीजिएगा आप, न्यायालय के आदेश के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। जो पूरा प्रकरण हम आपको थाना दक्षिण टोला का बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ न्याय होता है, और आप भी यदि पीड़ित हो किसी मामले में तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके भी लाख मुकदमा मेरे ऊपर फर्जी दर्ज हो जाए हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन हम पीड़ितों के साथ न्याय करने का, न्याय कराने का पूरा प्रयास करेंगे। 11/8/2021 का जो आदेश था, अभी तक उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है। मामला लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया, 1 सप्ताह के अंदर FIR दर्ज करने का आदेश था, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। कल 27 तारीख है, कल देखना है कि क्या होता है। वहीं हमने जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी किया तो वहां पर भी CoCT द्वारा गलत रिपोर्ट आ गया, हमने आवेदन कुछ और किया, आवेदन से हटकर आख्या लगाई गई। जो एक 6th क्लास का बच्चा, क्लास 6 का भी बच्चा है, ऐसा सवाल कुछ और जवाब कुछ,
समझ में नहीं आई बात कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, या व्यक्तिगत तौर पे हमसे किस तरह की दुश्मनी है, आखिर क्यों किया जा रहा है, क्या मेरा जुर्म मेरा अपराध ही है कि हम पीड़ितों की आवाज उठाते हैं, हम गलत क्रियाकलापों को पब्लिक के सामने कर देते हैं, क्या यही मेरा अपराध है? यदि यह अपराध है तो इस अपराध की सजा हमें कबूल है, आप जो सजा देंगे उस सजा के लिए हम तैयार हैं, अगर यह अपराध है तो। एक खास बात हम आपको और बता दें कि थाने में जाने वाले जो दलाल हैं और जो अपराधी हैं उनके माध्यम से एसएचओ महोदय द्वारा तरह तरह की बातें मेरे विरुद्ध कही जा रही हैं, और अक्सर ये बात, अभी तो एक घटना घटित हुई है वहां पे ऑन रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसएचओ महोदय द्वारा हमें ही ब्लैकमेल किया जा रहा है, वीडियो ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि थाने में जाने वालों से लगातार हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने का, गलत फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि उनको बता दीजिएगा कि हमारे लिए अपराधियों से हत्या करवाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस तरीके की सूचनाएं दलालों और अपराधियों के माध्यम से लगातार घूम फिर के हम तक पहुंच रही है, मानसिक रूप से काफी दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है कि चाहे हम व्यक्तिगत तौर पर आत्महत्या कर लें, यदि हमने नहीं किया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी हत्या एसएचओ महोदय द्वारा करा दी जाएगी। हो सकता है शायद आजकल परसों में मेरी कभी भी हत्या भी हो सकती है, जो स्थिति चल रही है थाना दक्षिण टोला में, जिस तरीके से एसएचओ महोदय हमारे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बना रहे हैं। इनके इन क्रियाकलापों की शिकायत जब ट्विटर के माध्यम से हमने एडीजी जोन वाराणसी साहब से किया तो उनके द्वारा भी पांच छह बार जांच का आदेश दिया गया, जिसमें मऊ पुलिस द्वारा ये जवाब दिया गया कि संबंधित प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली और ना ही किसी भी प्रकार की जांच का कोई पता चला कि किस तरह की जांच हुई या क्या कार्रवाई हुई, सभी कुछ लीपापोत करके बराबर कर दिया जा रहा है। ना जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आला अधिकारी भी इनके इस गलत काम में इनका संरक्षण दे रहे हैं, और भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है इनका। हम बता दें आपको कि ये किस तरीके के एसएचओ हैं जो अपने ही थाने के लोगों के विरुद्ध, यानी कि स्पष्ट करते चले हम आपको कि लॉकडाउन के दौरान एक दरोगा जो कि बिलवागढ़ चौकी इंचार्ज थे अनुज पांडे, लॉकडाउन के दौरान लगभग रात में 11 बजे दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रहे थे, दुकानों को बंद करा रहे थे, दुकान बंद करा के जब वो अपनी जगह चले गए तो एक प्रायोजित तौर पर कुछ लोगों की भीड़ जुटा करके एसएचओ डीके चौधरी द्वारा आला अधिकारियों को पब्लिक से ही कॉल करवाई गई, और कॉल करवाने के बाद एसपी साहब के पास एक रपट लिखा गया कि अनुज पांडे दरोगा द्वारा किस तरीके से लोगों को मारा गया, दुकानों पर तोड़फोड़ की गई, जबकि इस बात की पुष्टि बाद में हुई और उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाद में पुष्टि हुई, बहाली हुई अनुज पांडे दरोगा की, और पुष्टि इस बात की हुई कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि वहां नहीं थी, मौके पर एक दूसरे दरोगा थे जिनकी गवाही भी ली गई, दरोगा ने भी गवाही किया, और इस मामले में जो इनको अनुज पांडे दरोगा को सस्पेंड किया गया था इनको बहाल कर दिया गया, क्लीन चिट भी इनको मिल गई है। लेकिन ये आप इस चीज से समझ सकते हैं कि ये कैसे आदमी हैं और किस तरीके से दलालों को संरक्षण न देने वाले और दलाली न करने वाले दरोगाओं के विरुद्ध किस तरीके से ये कार्रवाई कर सकते हैं। जब दरोगा के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं तो हम तो एक आम नागरिक हैं, आम पत्रकार हैं, हमें भी कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे विरुद्ध भी, और साथ ही मानसिक रूप से काफी दबाव भी बना रहे हैं। चलते हैं, हम आपको बताते हैं एक कुछ दिन पहले का एक मामला है लगभग बकरीद के आसपास का, जब श्रेया मोबाइल्स के नाम से एक दुकान मिर्जाहादीपुरा में, जो कि बिल्कुल स्वच्छ छवि के अच्छे लोग हैं, उनका विद्यालय भी चलता है, काफी सज्जन लोग हैं, उनकी दुकान पर छापा मारा गया, और छापा मारने के बाद से उनके खरीदे हुए मोबाइलों को, जिन मोबाइल की रसीदें भी उनके पास थी, उनके खरीदे हुए मोबाइलों को जब्त किया गया और बताया गया कि ये सभी मोबाइल चोरी के हैं, ये कहने के बाद उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। इस मामले में बार अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पांडे साहब ने भी काफी गंभीर तौर पर इनके ऊपर आरोप लगाया और बताया कि किस तरीके की गलत गतिविधियां इनकी हैं। शायद इस मामले में भी 500 रुपए की मांग की गई और कई लोगों का नाम था, कई मोबाइल वालों को उठाया गया, कुछ लोगों को पैसा लेकर छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी गई। वहीं एक मामला हम आपको और भी बता दें, वकील का नाम आ गया तो थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में एक वकील को कुछ अराजक तत्वों द्वारा बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जिस समाचार को हमने चलाया था और वीडियो में दिखाया था कि वकील को किस तरीके से पीटा जा रहा है। इस पिटाई के बाद मामला गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा, लेकिन
चूंकि अपराधियों को संरक्षण देते हैं और ना जाने क्यों गंभीर धाराओं को निकाल करके इन्होंने ऐसा किया। जाहिर सी बात है कि पर्सनल इंटेंशन ना रहा होता, इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रही होगी हमारे वकील साहब से, तो हो सकता है कि कुछ आर्थिक लाभ रहा हो विरोधी से, विपक्षी से, जिसको बचाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया, गंभीर धारा को निकाल कर चार्जशीट दाखिल कर दिया और इस तरीके से धाराओं में चोरी कर रहे हैं। उस मामले को भी बड़ा प्रमुखता के आधार पर हमने आपको दिखाया था। मामला और भी है, अभी हम आपको बता दें कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में अभी 3-4 दिनों पहले डकैती की घटना घटित हुई। डकैती की जो घटना घटित हुई है उस घटना में 5 मिनट के अंतराल पर 2 व्यक्तियों से डकैती हुई है। 5 व्यक्ति थे डकैती करने वाले, 2 बाइक पर सवार। जब डकैती हुई तो उसमें एक आदमी जो हमारे वकील साहब शहनशाह आलम के मित्र थे, उन्होंने वकील साहब के नंबर पर कॉल किया तो वकील साहब ने इस मामले की सूचना हमें दिया। हमने बताया कि थाना दक्षिण टोला क्षेत्र का नंबर ये, थाना दक्षिण टोला के नंबर पर कॉल करके सूचना दें। उसके बाद हम लोग भी मौके पर पहुंचे। 9:32 पर वकील साहब से बात हुई, उसके बाद हम लोग मौके पर पहुंचे। आगे आगे डीके चौधरी सचो पहुंचे, उनके पीछे हम लोग भी पहुंच गए। पहुंचने के बाद मौके पर जब वीडियो बना रहे थे, वीडियो में आपने देखा होगा कि सचो दक्षिण टोला किस तरीके से बिल्कुल बदतमीजी वाले अंदाज से और अपनी नाकारापन को छुपाने के लिए शहनशाह आलम एडवोकेट और मारीना संदेश के ऊपर ये आरोप लगाया उन्होंने कि किस तरीके से हम लोगों ने ये घटना फर्जी तौर पर घटित कराया उनको बदनाम करने के लिए। जबकि वास्तविकता यह है कि एक व्यक्ति उसमें शहनशाह आलम एडवोकेट साहब के दोस्त थे जिन्होंने उनको तत्काल याद किया, और दूसरे व्यक्ति ना हमको जानते पहचानते ना दूसरा व्यक्ति हमें जानता पहचानता है। सबके बाद भी उस मामले में FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। हो सकता है कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया हो वो भी SHO महोदय के काफी करीबी हों और लूट का पैसा आपस में मिल करके बांटा हो, जिसकी वजह से SHO साहब उनको संरक्षण दे रहे हों। सारी बातें हैं, अभी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है और आप लोग भी देखते देखते थक जाएंगे। बाद में फिर हम आपको नया वीडियो दिखाएंगे, लेकिन अंत में हम आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाहेंगे, अगर दक्षिण टोला क्षेत्र में रहना है तो DK चौधरी कहना है, उनकी गुलामी करना है और दलाल बन के रहना है। अभी जो मामला दर्ज हुआ है, खास बात हम आपको बता दें, जो FIR दर्ज हुई है एक लड़के के विरुद्ध, कुछ लोगों के विरुद्ध, जिसमें एक लड़के को पीट दिया गया था फैजीगेट थाने के सामने, फैजीगेट पर, उसमें दलालों की कमाई काफी बुलंदी पर इस समय सुनने में आ रहा है। दलाल लोग कई लोगों का नाम थाने पर दे रहे हैं और पुलिस उनको ला रही, पुलिस उनको छोड़ रही है, काफी मानसिक दबाव भी बना रही है। बहुत सारे लोग दलाल, कई लोगों से दुश्मनी भी, अपनी पर्सनल दुश्मनी भी दलाल अपनी साध रहे हैं और कई लोगों का नाम थाने पर दे रहे हैं। अब देखना यह है कि थाने पर जो कार्रवाइयां होंगी वो दलालों के बल पर होंगी या SHO और दरोगा के बल पर होंगी। सवाल यह है कि इतनी सारी बातों के बाद, इतनी सारी घटनाओं के बाद भी अब किस बात का इंतजार आला अधिकारी कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं या इनका स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो, या हो सकता है कि इसके बाद मेरी हत्या भी हो सकती है, चूंकि लगातार हत्याओं की साजिश रची जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न्यायालय के आदेश को भी बिल्कुल अवहेलना की जा रही है, न्यायालय का भी अपमान किया जा रहा है। जो SHO न्यायालय को भी कुछ नहीं समझ रहा हो वो हमारे जैसे पत्रकार को क्या समझेगा? हो सकता है कि हमारी हत्या हो सकती है। आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट यही है कि यदि मेरी हत्या हो जाए तो हमारे इस वीडियो को ही हमारा बयान माना जाए और हमारे मरने के बाद, हमारी हत्या के बाद हमको न्याय मिले। धन्यवाद। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।